प्रदेश पुलिस, पहले की भोजपुरी फिल्मों में बिहार पुलिस आती थी, अब उत्तर प्रदेश पुलिस आ रही है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी कि इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी तक ते तलवा चाटे वाला पुलिस के देखने रहा। धरती जहाँ पर भोजपुरी में सब लोग भोजपुरी का सलमान खान ढूंढने में बिजी रहे, वहीं पर भोजपुरी के अजय देवगन ने सिंघम बन के गदर काट दिया। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। प्रदीप पांडे चिंटू, ये वो नाम है जिसके साथ भोजपुरी के यूट्यूबरों ने अथाह भेदभाव किया है, जिनके बारे में यूट्यूब पर चर्चा तो बिल्कुल बंद सी ही हो गई है। भोजपुरी के यूट्यूबर सबसे ज्यादा उन्हीं की वीडियो बनाते हैं जिनके नाम से व्यूज ज्यादा आते हैं, क्योंकि अपनी कोई पहचान तो है नहीं भाई साहब, तो जिनकी पहचान है उन्हीं के नाम से लूटो, मेरा मतलब कमाओ। मैं भी कभी कभी ऐसे ही करता हूँ, जो सच है वो सच है, छुपाने का क्या है इसमें। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हाँ, पिछले 6 महीने के अंदर में प्रदीप पांडे चिंटू की जितनी भी फिल्में या ट्रेलर आई हैं, उन सबको देखने के बाद मुझे लगा ही नहीं कि प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म है। लगभग सारी फिल्मों की एक ही सेम कहानी, वही घटिया लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ घटिया लव स्टोरी। और उन सबको देख कर मुझे एक ही चीज फील होती थी कि प्रदीप पांडे चिंटू जो है वो खत्म, टाटा बाय बाय गया। बट आज जब मैं सुबह सो करके उठा, एकदम सुबह 10 बजे है? हाँ, यही टाइम है मेरा सो के उठने का। शाबाश बेटा। उसके बाद सबसे पहले मैंने फेसबुक खोला, मुझे दिखा एक पोस्ट प्रदीप पांडे चिंटू का। मैंने सोचा भाई इसकी तो हर हफ्ते एक फिल्म आ जाती है, उसी का ट्रेलर होगा। बट फिर मेरी नजर गई इस पर, भाई ये ट्रेलर नहीं टीजर है। और आपको तो पता है कि भोजपुरी में टीजर कब आता है? हमको नहीं पता। जब कोई बड़ी फिल्म होती है तब, अन्यथा वही आते हैं गंदे वाले ट्रेलर। प्रदीप पांडे चिंटू इस फिल्म में पुलिस के रोल में नजर आने वाले हैं, और फिल्म का टीजर देख करके ऐसा लगता है ये जो फिल्म है हिंदी अजय देवगन की फिल्म सिंघम से टक्कर लेने वाली फिल्म है। और इस फिल्म का नाम है भारत भाग्य विधाता। इस देश का भाग्य विधाता यहाँ की जनता है। बट गलती यहीं पर हो गई। पूरे टीजर में ये दिखाया गया है कि हीरो जो है लोकल गुंडों की पिटाई कर रहा है, और फिल्म का नाम देशभक्ति है। भाई जो हमारे देश के गुंडे है ना, वो भी देश से प्यार करते हैं, तो ऐसा देशभक्ति नाम तब रखना चाहिए जब लड़ाई दूसरे देश से हो। बात तो सही है। खैर, कहते हैं नाम में क्या रखा है, बट ये जो नाम है, इस नाम में बहुत कुछ रखा है। भारत भाग्य विधाता, हर हिंदुस्तानी का सेंटिमेंट जुड़ा है इस नाम के साथ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म में किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, अन्यथा समझ रहे हो ना, टीजर में तो कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रदीप पांडे चिंटू और संचिता बनर्जी इस फिल्म में मुख्य रोल में हैं। एक्टिंग की बात करें तो टीजर देखकर क्या ही एक्टिंग की बात कर लेंगे, ऊपर से एक्शन फिल्म है, एक्शन में तो और एक्टिंग नहीं दिखती है। अरविंद तिवारी, कथा पटकथा और संवाद सब कुछ इनका ही है। टीजर देखकर कहानी तो समझ में नहीं आती है, बट हाँ टीजर देखकर इतना समझ में जरूर आता है कि फिल्म में कहानी तगड़ी है। जमाना में बेटी के बाप भाई सबसे बड़ पापा। साजन मिश्रा ने इस फिल्म में म्यूजिक दिया है, और सिर्फ 1.5 मिनट का टीजर देख करके क्या ही अंदाजा लगाएं कि म्यूजिक कैसा है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं और आज एक बार फिर से कहूंगा कि टीजर हो या ट्रेलर, इसमें अलग से म्यूजिक ऐड किए जाते हैं। कई बार म्यूजिक ऐसे भी ऐड किए जाते हैं जो फिल्म में होते नहीं है, बट टीजर में जो म्यूजिक सुनाई गई है, अगर ये म्यूजिक सच में फिल्म में भी है तो मैं कहूंगा कि ये एक बेहतरीन म्यूजिक है। टीजर में गाने तो सुनाए नहीं गए हैं, क्योंकि टीजर बहुत छोटा है, सिर्फ 1.5 मिनट का है, बट हाँ एक जगह पर एक गाने का विजुअल जरूर दिखाया गया है, यानी कि फिल्म में गाना है। और उन गानों को लिखा है शेखर मधुर, आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी, अताउल्ला आसिक। खैर, जो भी इस फिल्म में गाने होंगे उन गानों को गाया है खुद प्रदीप पांडे चिंटू, जतिंदर सिंह, अली, प्रियंका सिंह, इंदु सोनाली, रोहित कुमार, विजय चौहान, शिल्पी राज ने। और अक्सर भोजपुरी वाले यहीं पे आके हक देते हैं, इतने सारे लोगों ने मिलके गाने गाए हैं तो बहुत सारे गाने भी होंगे। फिल्म का विजुअल जैसा दिख रहा है, जैसा सेट दिख रहा है, जैसा एक्शन दिख रहा है, जितने लोग दिख रहे हैं, इन सब को देखते हुए
ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक बड़े बजट की फिल्म है। बड़ा बजट मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं, भोजपुरी के हिसाब से ही समझना, नॉर्मल भोजपुरी फिल्मों से ये कहीं आगे की फिल्म है। फिल्म में जब बहुत सारे लोग दिखे तो समझ जाओ कि फिल्म में पैसा दबा के फूका गया है, क्योंकि सबकी 300 रुपया मजदूरी अगर आप पकड़ेंगे तब वो लाखों रुपया पहुंच जाएगा। संदीप सिंह ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, माल खजाना इनका ही लूटा है और अच्छा खासा लूटा है। तो जब पानी में ज्यादा चीनी पड़ा है तो जाहिर सी बात है पानी ज्यादा मीठा भी होगा, यानी कि फिल्म बड़ी और बेहतरीन होगी। फिल्म में भर भर के एक्शन है और अक्षर प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्मों में ऐसा ही भर भर के एक्शन होता है। खैर टीजर में कोई अश्लीलता अश्लीलता नहीं दिखाई गई है और मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आज एक बार फिर से बोलूंगा कि कम से कम भोजपुरी फिल्मों को तो अब अश्लीलता के नाम पर कोसना बंद कर देना चाहिए। अब भोजपुरी में भी साफ सुथरी फिल्में बनती हैं। हाँ, बजट का थोड़ा अभाव जरूर होता है, इसलिए भोजपुरी फिल्में आपको नौटंकी जैसी लगती हैं। बजट हो तो फिर कोई बात हो। अनंजय रघुराज, इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। टीजर बहुत छोटा सा है, इसमें डायरेक्शन में कहीं पर भी कोई कमी नहीं दिख रही है। फिल्म का पता नहीं, टीजर बढ़िया है तो डायरेक्शन को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। बाकी एक छोटा सा टीजर था, इस पर कितना ही बात करेंगे, ट्रेलर आएगा तो ज्यादा बातें करेंगे। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि टीजर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप देख करके बताइए। आपको देखने के लिए जाना पड़ेगा B4U भोजपुरी नाम के यूट्यूब चैनल पर। तो जाइए देखिए, अपना भी ओपिनियन बताइए कि आपको कैसा लगा। मुझे जैसा लगा मैंने बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, कोई बात बात करनी है तो आओ मैसेज करो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।